वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरू जी की फतह। मैं हरसदेव सिंह पेशा कर रहा हूँ। अज असं फिर गल कर लगे हैं गुरुद्वारा अकाल तख्त साहब, जिथे 1920 अकाली दल श्रोमणी अकाली दल का ऑफिस। यह अकाली दल खुद ही इन्हों के बंद ने ही यह अलाउड किया। यही बंदे ने जो इस अकाली दल को निकल के दूसरे अकाली दल पर सारे पंथ दल कर रहे हैं। पर दुख की गल कि जो पंथ की गल करते हैं उसे जो चकड़े होंगे पगा लेते हैं तो बड़ी दुखदायी गल। जिन्हों की उंगल फड़ के तुम निकले, जिन्हों की उंगल फड़ के तुम इस काम के बाहर आए, अब तुम उन्होंने भी ढाई ढोली करके अगर आने की कोशिश कर। तो आओ अच्छ गल करते भाई साहब के नाम। भाई साहब जी तत्व जानना चाहते आखिर यह माजरा है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। माजरा कुछ नहीं, माजरा हैगा सिर्फ चौधर का प्रधानगियों का। अगर ध्यान ना सोचा जाए कि जेड़े बंदियां ने जेड़े पार्टी के नाम से वोट लई आ कि तुम उन्होंने विश्वासघात करके तुम अपनी अपनी सेहत की पूर्ति करना से यह काम कर। चलो वो तो गल ठीक है, मान ली थोड़े आ दफ्तर जरा पता नहीं किन्ने साल तो इतने हैगा श्रोमणी अकाली दल का दफ्तर मनिया जाता। उन्होंने कहना है जी कि प्रधान के हाथ च है कि वह इतने किसी को दफ्तर दे आते। मैं मानना इस चीज़ मगर प्रधान फिर वो हो जो संगत ने चुनिया हो प्रधान नहीं। जो संगत ने चुनिया मगर वो अपनी दूजी पार्टी बना के बैठ गई। इस करके सानू इसका बहुत सख्त विरोध है। तो असी जी 100 साल पुरानी शहीदा की जत्थेबंदी है जी श्रोमणी अकाली दल असी उसका दैन देख नहीं सकते, क्योंकि ये सोए साढ़े कोई हूँ पंथक पार्टी रह नहीं गई। जिस हिसाब के ना सरकार जड़िया है गुरुद्वार से कब्जे कर रही हैं, नानक मत्ता का उदाहरण थोड़े मूहरे आ, एक अजिहा उदाहरण थोड़े मूहरे आने वाले समय के अंदर जो भीड़ पी तो साढ़े वास्ते कोई योजना पार्टी नहीं जो सिखा की मां फड़ के योजी हनेरी चो बाहर कर सके।